हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिकास कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करने वाली हूँ, जिससे मैं जो ब्लॉग्स वगैरह डालती हूँ वो उसमें सूट हो जाए। तो दैट्स व्हाई मैंने लाइफस्टाइल ऐड किया है और मैंने उसके साथ साथ अपना भी थोड़ा सा मेकओवर कर लिया है, अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया, जैसे कि मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया ही था कल। और आपको बताऊं, ये ना लाइफस्टाइल बोने के लिए कम से कम मुझे ना 4 से 5 टेक लेने पड़े। ऐसे यूजुअली मैं 1 और 2 टेक में, मतलब मैं मोस्टली तो मैं 1 टेक में ही कर लेती हूँ, वॉकिंग के पहले का जो बिफोर का मेरा वीडियो रहता है वो। लेकिन आज मैंने लाइफस्टाइल में अपना फ्लो में बोल देती थी और राधिका कुक हाउस में स्वागत है बस ये कह देती थी, लाइफस्टाइल बोलने का याद ही नहीं आ रहा था। 5-6 टेक के बाद में अभी मैं बोल पाई हूँ। तो ऐसा होता है ना, कुछ हम चेंज करते तो थोड़ा सा उसे लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज क्या है, आज 26 जून है। तो आप इस नए दिन में आपका स्वागत है, इस नए जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम वॉकिंग वगैरह करेंगे। आज मैं वॉकिंग घर पे करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे 24 आवर्स इसे ऐसे ही रखना है, इसे क्लिप वगैरह नहीं करना है। तो इस तरह से बाहर जाना मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है वॉकिंग के लिए मेनली। तो इसलिए फिर मैं आज घर पे ही वॉकिंग करूंगी और घर पे ही योगा करने वाली हूँ। और फिर इवनिंग में, और फिर उसके बाद में हम कुछ ना कुछ रेसिपीज अच्छी वाली बनाएंगे। और इवनिंग में आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ। इवनिंग में आज से मैं थोड़े मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो अपने घर और अपने बच्चों के साथ अपने आप को भी बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप अपने खुद की भी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, वैसे फ्रेंड्स से मिलवाने वाली हूँ। तो उसमें से आज एक फ्रेंड से मिलवाऊंगी जिसने बहुत ही अधिक अपना वेट लॉस किया है। तो उसके वेट लॉस की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह से थोड़े से एपिसोड में अभी अपने अलग अलग फ्रेंड्स से आपको मिलवाऊंगी इवनिंग के टी टाइम के समय में, तो आप जरूर देखिएगा और साथ में मेरा भी लुक देखिए। इवनिंग में मैं जरा ये वॉश वगैरह करके आऊंगी, थोड़ा सा न्यू लुक में आऊंगी। तो चलिए गाइस, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अब वॉकिंग पे चलते हैं, चलते मतलब घर पे ही करना है तो वॉकिंग करते हैं। ये वार्म वाटर विथ लेमन है। इसमें मैं हनी नहीं डालती, जिसमें हमेशा बताती हूँ मुझे हनी पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं डालती। आप इसमें हनी डाल सकती हैं। और ये 5 आलमंड्स है पानी में भिगे हुए, जिसे मैं वॉकिंग करते करते खाऊंगी। आप इसकी जगह में अखरोट, किशमिश या कोई भी अलग ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। 5 से 6 लेना, ज्यादा नहीं लेना है। तो चलिए इसे लेते हैं और वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने अपना वॉकिंग और जो मेरा योगा है 1 आवर का वो कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैं ये एक मौसम्बी खा रही हूँ। ये खाना ऐसे रॉ में खाना बहुत ही अधिक अच्छा है, मतलब जूस की बजाय में ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आप जरूर खाइए वेट लॉस की जर्नी में। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट के समय में हम मिलते हैं, कुछ नया देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स लिया है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होते हैं। आज लंच के लिए मैं स्प्राउट चाट मसाला बना रही हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए प्रेफर कर सकते हैं, मैं लंच में बना रही हूँ। तो इसे बनाने का प्रोसीजर देख लेते हैं। स्प्राउट्स के चाट बनाने के लिए मैंने ये थोड़े स्प्राउट्स लिए हैं। इसे थोड़ा पानी डाल के उबाल लेंगे। इसे हल्का मैंने उबालने के लिए रख दिया, जो उबल गया है अब इसे छान लूंगी। इसका पानी मैंने पूरा छान लिया। अब इसमें एक ओनियन डालना है बारीक कटा हुआ और एक टमाटर बारीक कटा डालना है। ये थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं काट के बारीक, इसे भी डाल दें। इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डालना है, 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देना है। इसमें लेमन थोड़ा सा डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेना है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 टू 1 टीस्पून। अगर आपके पास होगा तो डालो, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। तो ये हमारा स्प्राउट बिल्कुल रेडी है बनके, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। Sprouts contain an unusually high content of living enzymes. These enzymes further help in boosting our metabolic process and improve chemical reactions within the body, specifically when it comes to digestion. Hello guys, so it's tea time.
तो चलिए चाय पीते हैं। और जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मैं आज आपको किसी न किसी गेस्ट से अभी ये 3-4 सीरीज़ में ऐसे करने वाली हूँ जिसमें मैं ऐसे लेडीज़ से आपको मिलवाऊंगी जो अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, साथ ही खुद पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है, खुद को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है। तो आज फर्स्ट सीरीज़ में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी एक ऐसी फ्रेंड से जिसे देख के आप बहुत ही मोटिवेट हो गए। उसके पहले जो वेट था उसका, उसने अपना वेट इतना अधिक लॉस किया, मतलब वो देख के मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। उसका वेट पहले था 89 केजी और अभी सोचिए अब क्या होगा, अभी है 54 केजी। सोचिए मतलब इतना अधिक उसने वेट अपना कम किया है। तो एक उसका मैं बिफोर और आफ्टर का भी आपको फोटो डालूंगी और उससे आपको मिलवाऊंगी, उससे हम जानेंगे कि उसने ये सब कैसे किया है, क्या क्या किया उसने अपने लाइफ में, सब उसके बारे में बातें करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ मैंने निकाली ना, इसका कारण ये था कि मुझे बहुत मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि तेरा जो वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो देख के हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ही अधिक अच्छा लग रहा है। और जैसे हम लोग किसी ने कहा कि जैसे हमने एक्सरसाइज बंद कर दिया लेकिन तेरा वीडियो देखते तो फिर ऐसा लगता नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए। तो फिर मैं मेरे जो डेली के मैं जो बोलती थी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अभी नया इसमें कुछ चालू करना चाहिए, रोज़ वही चीज़ देख के आप भी बोर ना हो जाओ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि चलो जो हमारे आसपास में है, जो मेरी फ्रेंड्स है, जो अपने आप को बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से रखती है, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है, तो उन लोगों को लाया जाए, उनके बारे में ज़रा जाना जाए, तो जिन्हें देख के आप और ज़्यादा मोटिवेट हो। तो दैट्स व्हाई ये पहला जो मेरा भाग है इसमें पहला मैं ये मेरी जो फ्रेंड है दिया पटेल उसे ला रही हूँ और उसके बारे में हम जानेंगे। कम से कम उसने 40 किलो वेट कम किया यार, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। तो चलिए उनसे मुलाकात करवाती हूँ मैं, फिर उसी से जानेंगे उसके बारे में। आजा वेलकम वेलकम वेलकम, सी इज दिया पटेल। ये दिया का बिफोर और आफ्टर का पिक्स है 89 एंड 54 केजी का। तो गाइस अभी दिया पटेल से ही हम जानेंगे कि वो उसने अपना इतना वेट लॉस कैसे किया, मतलब 40 केजी कोई कम बात नहीं है यार, 40 किलो कम करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो वो खुद बताएगी अपनी जर्नी के बारे में, उसने ये सब कैसे किया, मतलब ये चमत्कारी हो गया ना एक। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। वेट लॉस करना मतलब डिलीवरी के बाद वेट हर किसी का बढ़ता है, कोई कोई रहता है जिसका नहीं बढ़ता है, लेकिन मोस्टली तो बढ़ता ही है। मेरा बढ़ गया था, 89 हो गया था, अभी मैं 54 की हूँ। और मैंने काफी मतलब इसमें थोड़ा स्ट्रगल किया, 1.5 साल लगा मुझे वेट लॉस करने में, इतना वेट कम करने में। और वो वेट धीरे धीरे ही कम होता है, थोड़ा खाने पीने में ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, प्लस वर्कआउट करना भी, दोनों करना चाहिए। और घर के काम, बच्चे सब होता है, हाउसवाइफ को तो ये सब चीजें करनी ही पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने तरफ थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है और सबको देना चाहिए। मैं सुबह 1 घंटा वॉक करती हूँ, फिर जॉगिंग रहता है उसमें, फिर उसके बाद 45 मिनट्स में अपना वो योगा कर लेती हूँ, कभी कभी बीच बीच में डांस कर लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए खुद के लिए। वेरी नाइस। ओके दी, आप थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में बता, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहो, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने भी देखा वीडियोस तो मुझे भी लगा अरे वाह बहुत अच्छा है, तो आपको देख के पहली बार मुझे शॉक लगा कि आप कर रहे हो सोचे, और बहुत अच्छा है करने के लिए। बीच में थोड़ा मैं भी स्टॉप हो गई थी, वापस आपका वीडियोस देखा, मैंने बोला वापस इनका भी चालू है तो मैं क्यों स्टॉप करूं, मैंने भी वापस चालू रखा। बहुत अच्छा लगा, और सब सच में सब करो, सबके लिए, अपने खुद के लिए करो, लाइफ अपनी है, अपने को जीना है तो अच्छे से जियो, फिट होके जियो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दिया। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करके सब्सक्राइब भी करना। अच्छा तो लगेगा, इतनी मोटिवेशन, 40 केजी कम की भाई, लगना तो है अच्छा।
तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आपको बता दूं कि मैं ये वेट लॉस जर्नी लेके आई हूँ 1 मंथ का, जिसमें मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और 15 दिन का तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, और अभी जो आगे का जो 15 दिन एक्चुअली मैंने पहले जो ना सिंगल में शूट कर लिया था मेरा जैसे मैं पहले जो टी टाइम किया करती थी उस तरह का टी टाइम का मैंने शूट कर चुकी थी, लेकिन फिर बाद में जस्ट अभी 16-17 डेज में मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्यों ना मैं अपने जो फ्रेंड है जो जिन्होंने वेट लॉस किया है उन्हें बुलाऊं और उनका जो मोटिवेशन उनकी बातें सुनेंगे तो शायद और ज्यादा लोग मोटिवेट हुए और ज्यादा अपने आप को मेंटेन करने को थोड़ा सा देखे। बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें, मैं भी कुछ बहुत दुबली पतली होने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का मेंटेन रखे कि हमारा हेल्थ अच्छा बना रहे। और जो कपड़े मेरे तो ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मैं शॉप में जाती तो मुझे कपड़े नहीं आते थे स्टमक की वजह से, हेल्थ की वजह से ना थोड़ा कपड़े मेरे बहुत प्रॉब्लम होते, इसलिए भी मैंने जरा दिमाग में रखा कि मुझे वेट लॉस करना है। बहुत ज्यादा दुबले पतले होने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे हेल्थी बॉडी अच्छी लगती, खाते पीते घर के लगना चाहिए ना, बच्चों की माँ है तो लगना चाहिए, एकदम चरहरी पतली नहीं बनना है मुझे, लेकिन एक मेंटेन करके रखना है, तो वो मैंने स्टार्ट किया है और मुझे देखिए बहुत सारी लेडीज मोटिवेट हो भी रही है। तो जैसे मैंने ये सीरीज चालू किया कि जिसमें जो जिन लेडीज ने वेट लॉस ऑलरेडी किया है उनके बारे में बात किया जाए, तो उसमें ये पहली मैं दिया पटेल को बुलाई हूँ। अभी कल आगे भी आपको अलग अलग मेरी फ्रेंड्स देखने को मिलेगी और उनकी बातें आपको जानने को मिलेगी, तो आप जरूर मेरी वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।